गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, जो कि आपको मैं कुछ एमसीक्यू टाइप में दे रहा हूँ। इसमें आपका जो है फार्मास्यूटिक्स का है, जो प्रिस्क्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन के आगे लिखा जाता है कि किस टाइम पे खानी है। जैसे आपका टीड है गया, बीस हो गया, ठीक है, टरेंडाई, बीसिंडाई, ठीक है, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे या वंस अ डे, तो जो भी ड्रग देनी होती है, तो शॉर्ट फॉर्म में लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सी इज़ एन एब्रिविएशन फॉर, तो इसमें पहला ऑप्शन है सिबॉस, दूसरा ऑप्शन है कैप्सुला, तीसरा ऑप्शन है कम और चौथा ऑप्शन है साइटस। तो ठीक है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा, कम। मैंने इसमें जो है टिक लगा दिया है पहले से, ताकि आपको पता लग सके। ये सारे क्वेश्चंस आप बुक में नोट कर लीजिएगा, मतलब अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर दो, कैचेलरी मैग्नम मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वन डेसर्ट स्पूनफुल, दूसरा है वन टेबल स्पूनफुल, तीसरा ऑप्शन है वन टी स्पूनफुल, चौथा ऑप्शन है वन कैप्स स्पूनफुल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर दो सही होगा, वन टेबल स्पूनफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सी इज़ द लैटिन टर्म फॉर, ठीक है, आई सी लैटिन वर्ड में टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंटरनोक्टम, दूसरा ऑप्शन है इंटर सिबॉस, तीसरा ऑप्शन है इंटरनोटी, चौथा ऑप्शन है पोस्ट सिबॉस। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दो सही होगा, इंटर सिबॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनिसोर इज मीन्स, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है यूरी वन आवर, दूसरा ऑप्शन है यूरी आवर, तीसरा ऑप्शन है यूरी टू आवर, चौथा ऑप्शन है यूरी फोर्थ आवर। तो आपको पता ही चल रहा है ऑप्शन से, सबके मतलब आपको पता है, इसको हिंदी में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका थ्री सही होगा, यूरी टू आवर्स, मतलब प्रत्येक दो घंटे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमो मैनी मीनिंग, ठीक है, प्रेमो मैनी मीनिंग। पहला ऑप्शन है इसमें यूरी मॉर्निंग, मतलब प्रातः सुबह, ठीक है, दूसरा है अर्ली इन द मॉर्निंग, तीसरा है इक्वल मॉर्निंग, चौथा है मॉर्निंग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दो सही होगा, क्या? अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, एस सफिक्स इज द लैटिन टर्म्स फॉर, ठीक है, तो एस किस लिए यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिग्मा, दूसरा ऑप्शन है एस्टेटिम, तीसरा ऑप्शन है समेंडस, चौथा ऑप्शन है सेमी। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है समेंडस, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एस इज़ द लैटिन टर्म्स फॉर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एडेंट इज़ द एब्रिविएशन फॉर, तो पहला ऑप्शन है टोब अप्लाइड, दूसरा ऑप्शन है टू बी गिवेन, तीसरा ऑप्शन है टू बी एडेड, चौथा ऑप्शन है लेट बी एडेड। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीन सही होगा, टू बी एडेड। ऑरेस्टाइल ऑरेस्टली इज़ द लैटिन टर्म्स फॉर, ऑरेस्टली इज़ द लैटिन टर्म्स फॉर, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आई ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन है ईयर ड्रॉप, तीसरा ऑप्शन है नेजल ड्रॉप, चौथा ऑप्शन है स्प्रे सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ईयर ड्रॉप सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कौन सा हैंडलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है? ठीक है, रीडिंग, रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कलेक्टिंग मटेरियल्स, कंपाउंडिंग। आपको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग मटेरियल्स एंड कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैंने सारा कुछ बताया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा नहीं है? रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आपका है सिग्नेचर इज़ द डायरेक्शन गिवन टू, सिग्नेचर इज़ द डायरेक्शन गिवन टू। नंबर एक ऑप्शन है प्रिस्क्राइबर, नंबर दो ऑप्शन है फार्मासिस्ट, नंबर तीन ऑप्शन है पेशेंट, नंबर चार ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीन सही होगा, पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर एक्स इज़ यूज टू डिनोट, ठीक है, आपको पता है आर एक्स सिंबल
किसके अंदर आता है, ठीक है। तो मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे आपको, प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स बताए थे, उसमें आपको मैंने इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो जो आर एक्स सिंबल है आपका, तो किसका पार्ट है, ठीक है, सुपरक्रिप्शन में जो है यू, सुपरक्रिप्शन के जब डिक्टेशन पढ़ेंगे जो आपके पास पहले नोट्स हैं तो उसमें किसका जिक्र किया जाता है, आर एक्स सिंबल का, जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और आर एक्स का कोई जो है ये नहीं है कि कोई एक मेन अवधारणा है, हर एक बुक में अलग अलग अवधारणाएँ आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ लिखा है तो वही हर बुक में मिलेगा, आपको हर बुक में अलग अलग अवधारणाएँ मिलेंगी आर एक्स सिंबल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, ठीक है। पहला है सुपरक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है इंस्क्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है सबक्रिप्शन और चौथा है सिग्ना। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा, सिग्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन इज अ, पहला ऑप्शन है डायट्री चार्ट टू पेशेंट, दूसरा ऑप्शन है डायग्नोसिस रिपोर्ट टू पेशेंट, तीसरा ऑप्शन है अ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चौथा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट सिम्टम्स। तो ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आपको पता है, प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटर्न ऑर्डर, आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली लिखा जाता है किसके द्वारा, फिजिशियन, डेंटिस्ट और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सिट्रियन यूज्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ऑफ अ ड्रग इज़, पहला ऑप्शन एज, दूसरा ऑप्शन वेट, तीसरा ऑप्शन जेंडर, चौथा ऑप्शन बॉडी सरफेस एरिया। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा वेट, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट। तो इसका पहला ऑप्शन है इंस्क्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है सबक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है सुपरक्रिप्शन, चौथा ऑप्शन है प्रिस्क्राइबर ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में DEA नंबर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, DEA, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड फॉर अर्जेस्ट सॉल्यूशन टू आइसोटोनिसिटी इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका ब्लड कागुलेशन टाइम्स, दूसरा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट इलोवेशंस, तीसरा ऑप्शन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तीसरा, चौथा ऑप्शन है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ द सेम, ठीक है, पहला ऑप्शन है pH as blood, दूसरा ऑप्शन है fluid pressure as blood, तीसरा ऑप्शन है specific gravity as blood, चौथा ऑप्शन है osmotic pressure as blood। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, osmotic pressure as blood। नेक्स्ट देख लेते हैं, what is the average adult body surface area BSA, ठीक है, based on surface area के according, ठीक। तो पहला ऑप्शन है 1.83 m², दूसरा ऑप्शन है 1.73, तीसरा ऑप्शन है 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 1.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरेंटल सॉल्यूशन दैट आर आइसोटोनिक विथ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैव एन ऑस्मोलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी MOSML, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन 300। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा 300 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 36 डिग्री फॉरेनहाइट, दूसरा है 12 डिग्री, तीसरा है 10.4 डिग्री,
फिर चौथा ऑप्शन है 5 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा, 10.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ ग्राम द एस्प्रिन मस्ट बी डिजॉल्व इन 484 cc ऑफ एल्कोहल टू मेक अ 12% सोल्यूशन। ठीक है, आपको 12% सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 76, दूसरा ऑप्शन है 66, तीसरा ऑप्शन है 112 और फिर चौथा ऑप्शन है 58। ठीक है, मतलब 58। तो पहला ऑप्शन 76 हो गया, दूसरा ऑप्शन 66, तीसरा ऑप्शन 112, चौथा ऑप्शन 58। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 58, 58। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड इन 1 in 20 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 0.5%, फिर दूसरा ऑप्शन है 2.5%, तीसरा ऑप्शन है 5.0%, चौथा ऑप्शन है 7.5%। तो इसमें आपका कितना परसेंट जो है वो हो जाएगा, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 5.0%। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं पर चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी MCQ बन रहे होंगे मैं दे दूंगा, क्योंकि अब मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।